उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है और बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तमाम भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी है। देश भर से कोने कोने से यहाँ पर भक्त पधार रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी कुछ भक्त यहाँ पर पधारे हैं। उनका क्या कहना है, किस तरह से उनकी यात्रा रही है, उनको पूछेंगे हम यहाँ पे। क्या नाम है? विष्णु दांगी सर। किस तरह से आप चार धाम यात्रा पे आए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पे? व्यवस्था तो वैसे सर ठीक है, लगभग चल रही है व्यवस्था धीरे धीरे। और तीन धाम यात्रा हम कर चुके हैं जी। पहले यमुनोत्री गए थे, उसके बाद में गंगोत्री धाम गए, उसके बाद में केदारनाथ धाम गए। लेकिन केदारनाथ धाम में क्या है कि 16 किलोमीटर की चढ़ाई है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत तो आती है। वो तो जी जी हाँ, वो कच्छर वाले थोड़े दिक्कत है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप, किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे? हाँ, व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छी। उत्तराखंड आप आए हैं, किस तरह से यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, किस तरह का आपने यहाँ पे माहौल देखा है? स्वागत तो ठीक है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं आ रही है। जगह जगह होटल में रुक रहे हैं, किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, आपको क्या कहना है वैसा, आप भी मध्य प्रदेश आए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं? सर, मैं रामप्रसाद गांगी हूँ, मध्य प्रदेश से, MP से। और तीन नाम की यात्रा हम कर चुके हैं और अब हम बद्री विशाल जी में हैं। यहाँ की यात्रा भी हमारी कम्प्लीट हो गई है। और केदारनाथ जी में भीड़ के कारण थोड़ी समस्या आ रही है, बाकी क्या आना जाना खच्चर वाले भी है और ज़्यादा है थोड़ा सा, तो उससे थोड़ी समस्या आ रही है। अच्छा, उत्तराखंड में जो है तमाम जगह घूमने का है, यहाँ की किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, किस तरह से आना जाना है? सर बढ़िया लग रहा सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगा सर। महंगा तो है, लेकिन अब वो तो समझते हैं अपन उस चीज़ को, महंगा है पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको क्या कहना है भाई साहब, आप कहाँ से हैं? सही आप गलत हैं भाई साहब, क्या कहना आपको यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में, आप नया प्रोजेक्ट जो चला है, क्या कहना उसके बारे में? तो बढ़िया है सर, और हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, हमें कोई सूचित नहीं है, और हम लोग परेशान हैं सर। तीन पीढ़ी से हम यहाँ दादा के समय से और व्यापार कर रहे हैं, अब हमें ऐसे पैदल कर दिया है, कोई हिसाब नहीं है। और क्या कहना सर, मरने के अधिक उसमें है सर। अच्छा, तो आप लोगों के लिए जो मास्टर यहाँ पर प्लान बन रहा है, जो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, उसमें क्या व्यवस्थाएं नहीं है कि अलग से आपको कहीं दुकान मिली हो या कहीं आपको जो है व्यवस्था करनी हो? सर दुकानें मिली है सर, छोटी दुकानें मिली है, तीन दिन पीढ़ी आप हमारे खाने वाली, एक एक क्या कहते हैं तीन परिवार एक जने में खाने वाला है, तो कैसे होगा सर? अच्छा, आजकल कैसा चल रहा है, अब यात्रा सीजन शुरू हो गया, किस तरह? यात्रा सीजन तो अच्छा ही चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं, आपका जो व्यवसाय है, हम व्यवसाय तो खत्म ही है सर, हमारा तो खत्म ही कर दिया सर, अब हाथ से करें सर, क्या करें, भगा दिए सर, अब क्या करना सर। अच्छा, तो मतलब आपके लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, क्या कहना चाहते हैं सरकार? सरकार से क्या कहना चाहते हैं सर, हमारी व्यवस्था हो जाए इसलिए उसे वही कहना चाहते हैं, क्या कहना। निश्चित तौर पर जो है चार धाम यात्रा का जो यहाँ पर आगाज हुआ है, श्रद्धालुओं में बड़ी भक्ति और भावनाएं यहाँ पर उजागर हो रही हैं, लेकिन जो यहाँ का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है उससे भी लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और इन लोगों के लिए जो स्थानीय लोग हैं, जो पीढ़ियों से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और अपना रोजगार चलाते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था होनी जरूरी है। लेकिन केदारनाथ धाम में जो अव्यवस्था बनी हुई है, उससे जो है यात्री जो है काफ़ी परेशान है, और जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार को इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। कैमरामैन दिनेश ढिंकवान के साथ मनोज प्रकाश नेगी, बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड।